सत श्री अकाल। बात कर लेते हैं कि क्रिस्टल बॉल को हमने किस तरीके से एनर्जाइज करना है। क्रिस्टल बॉल को हम एनर्जाइज कर सकते हैं आर्क एंजल माइकल की हेल्प से। तो सबसे पहले क्रिस्टल बॉल को अगर हमें एनर्जाइज करना है तो सबसे पहले क्रिस्टल बॉल हमारे सामने होनी चाहिए। इसमें हमने ध्यान रखना है कि हमारा जो रूम है उसमें ज्यादा से ज्यादा सफाई हो। जिस रूम पर भी हम क्रिस्टल बॉल गेजिंग कर रहे हैं, या फिर हमारा कोई ऑफिस है, या फिर हमारा घर है, हमारा रूम है, या फिर कोई हमारा कैबिन है, तो जिस भी प्लेस पर हम क्रिस्टल बॉल गेजिंग करना चाहते हैं, भले खुद के लिए या फिर किसी और पर्सन के लिए, तो हमें सबसे पहले उस रूम को क्लीन करना पड़ेगा। बहुत जरूरी, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। जितनी से ज़्यादा सफाई हमारे रूम में होगी, उतने ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारा जो ये क्रिस्टल बॉल है वो एनर्जाइज होगा और हमें उतने अच्छे गाइडेंस देखने को मिलेगी। हमें उतने अच्छे मैसेजेस गॉड के थ्रू, एंजल्स के थ्रू हमें मिलेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस क्रिस्टल बॉल और विद द हेल्प ऑफ अवर इंट्यूशन ऑल्सो। तो सबसे पहले जो हमारे शूज़ हैं, ये हमारे स्लीपर्स हैं, सैंडल्स हैं जो हमने पैरों में पहने हुए हैं, उस रूम से हम पहले बाहर उतार लें तो ज़्यादा बेटर है। अगर समहाउ कोई ऐसी परिस्थिति होती है कि हम वहाँ पर शूज़ नहीं उतार सकते, वैसे तो हमें शूज़ बाहर ही उतारने चाहिए उस रूम से। अगर कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है जैसे कि सर्दी बहुत ज़्यादा है और हमारे हमने सॉक्स भी नहीं पहनी हुई और हमने सैंडल्स पहनी हुई है, स्लीपर्स पहनी हुई है, और उस केस में अगर हमें लगता है कि हम अगर नेकेड फीट धरती पर रखेंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं, तो हमें ऐसे टाइम पर शूज़ को या फिर स्लीपर्स को पहने रखना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हमारी ह्यूमन बॉडी है। जब हमारी ह्यूमन बॉडी ठीक रहेगी तो ही हम आगे के काम कर पाएंगे। और कभी कभी हो सकता है कोई भी रीज़न, ऐसा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रीज़न जहाँ पर हम स्लीपर्स ना उतार सके, वैसे तो ऐसे रीजंस बहुत ही कम होंगे, रेयर चांस होगा, पर स्टिल हमें यह ध्यान रखना है उस रूम से या फिर उस पर्टिकुलर प्लेस से हमारे जो स्लीपर्स हैं वो थोड़े से दूर रहे। और जो हमारा रूम है जिस रूम में हम क्रिस्टल बॉल गेजिंग करना चाहते हैं, वो रूम ज़्यादा से ज़्यादा साफ हो, वहाँ पर कूड़ा कचरा ना हो, क्योंकि जो कूड़ा कचरा है वो ब्लॉकेज को इंडिकेट करता है। तो जहाँ पर कूड़ा कचरा होगा वह उसकी वजह से हमारे इंट्यूशन में, हमारी एनर्जीज में ब्लॉकेजेस आ सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सफाई हो, उससे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे क्रिस्टल बॉल गेजिंग से मैसेजेस लेने के लिए और किसी और पर्सन की हेल्प करने के लिए या फिर किसी पर्सन की हीलिंग करने के लिए इस क्रिस्टल बॉल के थ्रू। और जो जिस रूम में हम कर रहे हैं क्रिस्टल बॉल गेजिंग, उस रूम में यूज़ ना होने वाली चीज़ें ना पड़ी हो तो ज़्यादा बेटर है, जैसे कि हमारे क्लॉथ्स, जो कि क्लॉथ्स अलमीरा में रहें या फिर वहाँ पर बिखरे ना हो, या फिर हमारे शूज़ ऐसे ही पड़े हुए हैं, या फिर हमारे सॉक्स ऐसे ही पड़ी हुई है रूम में, यूज़ ना होने वाली चीज़ उस रूम में ना हो तो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। तो कहने का मतलब है उस रूम में सिर्फ वो ही इम्पोर्टेंट थिंग्स हो जो कि यूज़ होने वाली है, ज़्यादा से ज़्यादा सफाई और सिर्फ यूज़ होने वाली चीज़ें ही वहाँ पर पड़ी हो। जैसे कि बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसे हमारे रूम में पड़ी होती है जो कि हमारे किसी भी यूज़ के नहीं है, तो जो हमारे इन फ्यूचर भी किसी भी यूज़ में ना आने वाली चीज़ है, जैसे कि सेल,
अगर हम किसी घड़ी में डालने वाला कोई सेल वहाँ पर हमारे रूम में पड़ा हुआ है जो कि आज हमारे किसी भी काम नहीं आ रहा और आने वाले टाइम पर भी वो किसी भी हमारे काम पर नहीं आएगा, तो ऐसे में ऐसी चीज ब्लॉक चीज जरूर क्रिएट करेगी हमारे रूम में और वो ब्लॉकेजेस क्रिएट करेगा हमारी एनर्जीज में। तो वो जो ना यूज होने वाली चीज है प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी, ऐसी चीज को सबसे पहले हमें थ्रो कर देना चाहिए। और अगर वो बिल्कुल भी यूज ना होने वाली चीज है तो उसको हम बाहर भी फेंक सकते हैं या फिर डस्टबिन का भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको डस्टबिन में भी हम थ्रो कर सकते हैं। या फिर ऐसी कोई चीज़ जो कि प्रेजेंट में वहाँ पर काम नहीं आ रही बट इन फ्यूचर में वो काम आ सकती है, तो ऐसे में उस चीज़ को हम उस रूम से थोड़े टाइम के लिए बाहर रख ले ताकि हम क्रिस्टल बॉल गेजिंग विदाउट एनी ब्लॉकेज पॉजिटिव वे में कर सकें और उसके ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें देखने को मिले। जैसे कि लैपटॉप करंटली प्रेजेंटली आपके यूज में नहीं आएगा वाइल डूइंग क्रिस्टल बॉल गेजिंग फॉर एनीवन, बट इन फ्यूचर वो जरूर काम आएगा। तो ड्यूरिंग द क्रिस्टल बॉल गेजिंग यू कैन प्लेस योर लैपटॉप आउटसाइड ऑफ योर रूम। जब आपकी क्रिस्टल बॉल गेजिंग हो जाए तो आप दोबारा से लैपटॉप को अंदर ला सकते हैं रूम में। तो हमारे कहने का मतलब इतना ही है कि आपका जो रूम है वहाँ पर सिर्फ वो ही वस्तुएं पड़ी हो जो कि उस करंट टाइम पर यूज होने वाली है। अब ऐसा नहीं है कि वहाँ पर वॉल क्लॉक लगी हुई है उसको भी हम बाहर रख दें। जो जैसे कि लैपटॉप एक जगह घेर रहा है वहाँ पर, जैसे कि शूज़ वहाँ पर नीचे से जगह घेर रहे हैं, जैसे कि सॉक्स साइड पर ही पड़ी हुई है पर वहाँ पर भी वो आपके यूज़ नहीं आने वाली चीज़ है, उसको आप अपने अलमीरा में रख सकते हैं। अगर उस पर्टिकुलर रूम में पर्टिकुलर प्लेस में अलमीरा नहीं है तो थोड़े टाइम के लिए हम उन चीज़ों को आउटसाइड ऑफ रूम रख सकते हैं, दोबारा से हम उनको वापसी ला सकते हैं अंदर अपने रूम में आफ्टर डूइंग द क्रिस्टल बॉल गेजिंग। तो ज़्यादा से ज़्यादा सफाई रखी जाए और सिर्फ यूज़ होने वाली चीज़ें ही अगर रूम में प्रेजेंट हो तो ये एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करेंगी। तो जब हम कनेक्ट होना चाहेंगे गॉड के साथ, एंजल्स के साथ या फिर पॉजिटिव एनर्जीज के साथ और उनसे हम कोई मैसेज रिसीव करना चाहेंगे तो हमें विदाउट एनी ब्लॉकेज वहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इसमें अगर हम ध्यान रखें कि हमारे जो फीट हैं वो साफ सुथरे हो, हमारे जो फीट हैं यानी कि हमारे पैर अगर उनमें धूल मिट्टी लगी हुई है तो हमें ज़रूर हमें अपने पैरों को धो लेना चाहिए। अगर फॉर द एनी काइंड ऑफ रीज़न हम पैर नहीं धो सकते तो हम किसी टिश्यू से या फिर किसी क्लॉथ से अपने पैरों को साफ कर ले। अगर हम अपने पैरों को धो सकते हैं तो धो ले तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। हाथ पैर और मुंह अगर हम धो के बैठेंगे तो हमें और भी ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, मैसेजेस रिसीव करने के लिए, हीलिंग्स प्रोवाइड करने के लिए, भले खुद के लिए या फिर किसी और पर्सन के लिए। तो अगर फॉर द रीज़न हम पैर नहीं धो सकते तो कोई बात नहीं, हम किसी क्लॉथ से साफ़ कर लें। और रीज़न हो सकता है कि अगर हमने पाँव धोए तो हमारे शूज़ गीले हो सकते हैं या फिर एनी काइंड ऑफ रीज़न, तो हम उस टाइम पर किसी क्लॉथ्स का यूज़ कर सकते हैं अपने पैरों को साफ़ करने के लिए। ऐसे केस में हम अपने हाथ और मुंह को जो धो ही सकते हैं। कई बार हो सकता है कि हम अपने फेस को नहीं भी धो सकते क्योंकि कई बार फीमेल्स ने मेकअप किया हो सकता है या फिर कोई भी एनी काइंड ऑफ रीज़न हम मुंह नहीं धो सकते, तो कोई बात नहीं, ऐसे में हम सिर्फ अपने हाथों को धो लें या फिर हम सैनिटाइज भी अपने हाथों को कर लें बिफोर यूजिंग द क्रिस्टल बॉल, तो उससे भी हमें काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे।
तो सबसे पहले तो हम ये कुछ रूल्स के बारे में बात कर लिया, क्रिस्टल बॉल को यूज़ करने के लिए, एनर्जाइज करने के लिए, हीलिंग करने के लिए, कुछ छोटे छोटे से बातें हमने की। और इसको हम एनर्जाइज कर सकते हैं आर्क एंजल माइकल के थ्रू। आर्क एंजल माइकल के थ्रू किस तरीके से एनर्जाइज किया जाता है? सबसे पहले हमारे सामने तो एक तो क्रिस्टल बॉल इस तरीके से पड़ी होनी चाहिए, और हमने जो क्रिस्टल बॉल गेजिंग करनी है, अगर इसमें बेटर वे है कि हमारे पास चेयर हो, हमारे सामने एक छोटा सा या बड़ा जैसा भी एक टेबल हो, और उस टेबल के सामने ये जो क्रिस्टल बॉल का ये जो स्टैंड हो, उस स्टैंड के ऊपर अगर क्रिस्टल बॉल को रखा जाए तो इससे एक पॉजिटिव इफेक्ट देखने को एनर्जीज के फॉर्म में हमें मिलता है। अगर हमारे पास चेयर नहीं है, अगर हमारे पास टेबल नहीं है, तो अगर हम बेड पर बैठना चाहते हैं तो वो एनर्जीज का लेवल कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि बेड पे जो गद्दे बिछे होते हैं वो थोड़े से आरामदायक होते हैं, तो उस तरीके से हम नहीं बैठ सकते मेडिटेशन में जैसे कि हम चेयर पर बैठ सकते हैं। या फिर अगर हम बेड पर नहीं बैठना चाहते तो हम नीचे मदर अर्थ में भी बैठ सकते हैं। अगर हम फॉर रीज़न एनी काइंड ऑफ रीज़न हम मदर अर्थ पर बैठ रहे हैं तो कोई ना कोई कपड़ा हम नीचे ज़रूर बिछा लें, ताकि हम जो मदर अर्थ पर बैठ रहे हैं हम गॉड फादर गॉड से एनर्जीज को रिसीव करेंगे, वो एनर्जीज डायरेक्टली मदर अर्थ में ना चली जाए, वो हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर ही रहे। इसलिए कोई ना कोई हम क्लॉथ नीचे बिछा लेंगे और उस क्लॉथ के ऊपर ही बैठेंगे, तो वहाँ पर भी हम कर सकते हैं। बट अगर हम ये ध्यान रखें कि अगर ये जो क्रिस्टल बॉल है इसका लेवल अगर हमारे आईज़ के सामने हो, जैसे कि ये क्रिस्टल बॉल है, क्रिस्टल बॉल का लेवल अगर हमारे आईज़ के सामने होगा तो हमें और भी ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। इसमें एक और तरीका है कि हम मदर अर्थ में बैठ सकते हैं और एक छोटा सा टेबल हम अपने सामने रख ले, और हमारी जो बैक है वो स्ट्रेट होनी चाहिए। अब हम मदर अर्थ में बैठे हुए हैं और हमारे सामने एक छोटा सा टेबल है और ये क्रिस्टल बॉल हमारे सामने है, क्रिस्टल बॉल को हम उस मदर अर्थ पे जो रखा गया टेबल है उस टेबल पर रख सकते हैं। उस साइज़ का टेबल हम चूज़ कर सकते हैं जो कि हमारे आईज़ के सामने क्रिस्टल बॉल आ जाए, तो हमें और भी ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर मान लीजिए जो हमारा जो टेबल है या फिर स्टूल है वो थोड़ा सा छोटा है, तो उसके ऊपर और कोई चीज़ रखी जाए ताकि ये लेवल अगर ये हमारे आईज़ के सामने हो जाएगा तो और भी ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। अगर ऐसे भी इस तरीके से भी किया जाता है क्रिस्टल बॉल को यूज़, जैसे कि यहाँ पर आप सेटअप देख सकते हैं, हमारे साथ पीछे एक चेयर है, सामने एक टेबल है और टेबल पर ये जो क्रिस्टल बॉल पड़ी हुई है, अगर इतना भी किया जाता है तो ये भी पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को हमें मिलेंगे। ऐसे हम अपने क्लाइंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट जब हम घर पे खुद के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड नो वन एल्स इज वॉचिंग अस, और इफ़ वी आर टीचिंग टू आवर स्टूडेंट्स, तो भी हम मदर अर्थ पर बैठ के सामने एक स्टूल रख के या फिर टेबल रख के इसको अगर हम अपने आईज़ के सामने रखेंगे तो हमें और भी ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो ऐसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, आर्क एंजल माइकल के थ्रू हम इसको एनर्जाइज कर सकते हैं। प्रोसेस इज़ वेरी सिंपल, जस्ट क्लोज योर आईज़ एंड फोकस ऑन योर ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। रिलैक्सेशन के लिए आप कोई मेडिटेशन, कोई हीलिंग म्यूजिक साथ में लगा सकते हैं, एंड फोकस ऑन योर ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट।
ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट एंड अलाउ योरसेल्फ टू बी रिलैक्स्ड. वी कैन रिपीट द ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. When we feel like we are in the deepest form of our mind, we will call upon Archangel Michael over here. We request you, Archangel Michael, please come here with your magical wand. Archangel Michael, we request you, please come here with your magical wand. From the universe, Archangel Michael is coming over here. And Archangel Michael is in front of us. Thank you so much, Archangel Michael, for coming here. Now we request you, Archangel Michael, first of all, protect me against all kind of negative energies by making a cage surrounding of me of white and bright golden light with your magical wand. Archangel Michael is making a cage surrounding of me in the form of white and bright golden light energies from his magical wand with the help of God's highest positive energies. Now we request to Archangel Michael, please protect this crystal ball also by making a cage surrounding of this ball. Now we request you, divine fire on our right side, and we request to Archangel Michael, please remove all kind of negative energies, blockages, blackish energies, connection with anyone from this crystal ball and burn them into divine fire. We request you, Archangel Michael, please remove all kind of negativities, blockages and connection with anyone from this crystal ball and burn them into divine fire. Again and again, just remove and cleanse all kind of negative energies, blockages, blackish energies from this crystal ball and burn them into divine fire. When we feel like all the negative energies are clear, then we request to Archangel Michael to please place your magical wand on this crystal ball and please energize it with the God's highest positive energies. Now all we need to do is focus on this crystal ball, and we have to see that Archangel Michael is energizing, healing with his magical wand with the God's highest positive energies. For the meantime, we can chant the mantras of God according to our religion. It might take 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, whatever time it takes. Just give it time. Thank you so much, Archangel Michael, for energizing this crystal ball. Now, we request you, Archangel Michael, please remove all kind of negativities, blockages, blackish energies from us, from top to bottom, and burn them into divine fire. Remove all kind of negativities, blockages, blackish energies from me, from top to bottom. Covering all mind, body, soul, aura, chakras, navel, surrounding energies, each and everything connected to me, negative energies from me, and burn them into divine fire. And after cleansing, we request to Archangel Michael to place magical wand on top of my head and please heal me and energize me with the God's highest positive energies. When we feel like healing is done, it might take 3 minutes, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, whatever time it takes. Thank you so much, Archangel Michael, for energizing us. You can go back to your home. God bless you. Thanks to Divine Fire,
you can go back to your home, thanks to ourselves, thanks to God, thanks to each and everything. And slowly slowly we can open our eyes. तो इस तरीके से हम एनर्जाइज कर सकते हैं क्रिस्टल बॉल को भी और अपने आप को भी. उसके बाद जो भी प्रोसेस है आगे का वो हम फर्दर आगे प्रोसीड कर सकते हैं. तो हम आने वाले वीडियोस में नेक्स्ट के टॉपिक्स के बारे में बात करते रहेंगे अबाउट द क्रिस्टल बॉल गेजिंग. सत श्री अकाल.